आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। मैं आज अपने सभी प्यारे युवक युवती जो विवाह योग्य हैं या जिनका विवाह हो चुका है, उनसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। और अनुरोध भी इतना सरल सा है कि एक बार तो आपको बड़ा एक हंसी सी भी आएगी, थोड़ा वो भी लगेगा, लेकिन नहीं, महत्वपूर्ण, दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। देखिए, सर्वप्रथम हमें अपने शरीर की बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए। आप बोलेंगे ये हम तो रोज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने क्या कहा ना, दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान दीजिए गहराई से। जब आप रात को अपने कमरे में घुसते हैं तो आप नहा धो के घुसिए, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो भी हाथ मुँह अच्छी तरह धोकर अपने जनन अंग को अच्छी तरह साफ करके तब घुसिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, आप कोई पॉलिश मतलब कोई भी रंग व पॉलिश कुछ भी करते हैं, अगर वो क्या कहते हैं कुछ उसमें अजीब सी महक आती है केमिकल की, या चलिए आप देसी आइटम भी लगाते हैं, कईयों को मेहंदी की खुशबू पसंद है, कईयों को नहीं भी होती, बिल्कुल देसी, तो आप अपने पति का या पत्नी का ध्यान रख के चलिए कि किस साथी को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, तो वो चीज़ें छोड़ दो और कोई चीज़ लगा लो, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, आपके खास तौर पे पुरुषों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि यदि अगर उसको आपके बढ़े हुए बाल नहीं पसंद है, फिर ध्यान देना, कुछ धर्म विशेष में बाल बढ़े हुए चलते हैं, सारी बात ठीक, बात उसकी नहीं हो रही है, नॉर्मल वे की बात हो रही है। अगर आपका कोई प्रोफेशन सिंगिंग का नहीं है, कोई एक्टिंग का नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा बड़े हुए बाल आपको क्या कहते हैं, अगर पत्नी को नहीं पसंद है तो आपको नहीं रखने चाहिए। छोटी छोटी बातें, इसमें कोई बहुत जिद पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी भी एक साथी को घी का प्रयोग एक बूंद भी उसको उसकी महक नहीं पसंद है, तो आप मत लगाइए, वहाँ पे आप आयुर्वेद का हवाला मत दीजिए। आप सरसों का तेल नहीं पसंद है मत लगाइए, आयुर्वेद का हवाला देने की जरूरत नहीं है, दाम्पत्य जीवन सही रहेगा, आयुर्वेद फिर अपना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा फिर एक और भी चीज़ पे आप गौर करके चलिए, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, सतत प्रयासरत रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर रोज कान के बाहरी से, मैं अंदर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कान के बाहरी हिस्से में और पिछली तरफ में, यहाँ पे कई बार मेल डेंड्रफ जम जाता है, यहाँ तो डेंड्रफ जम जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैल मूल से रहते हैं, खूब अच्छी तरह साफ रखिए। आपके यहाँ पे कीलें पैदा जाती है, उसको भी रोज़ साफ कर लीजिए आप, ठीक है ना, अच्छी तरह से। हम दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी में भी क्या कहते हैं, हमारे कई बार एक अजीब सी महक पैदा हो जाती है जब नहीं अच्छी लगती, तो आप कोशिश करिए कि वो अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ करें। गले है, गर्दन है, आपका बगल है, दोनों आर्म पिट्स जिसको बोलते हैं, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, मैंने कहा ना जनन अंग हो, कोई भी हिस्सा, सब अच्छी तरह साफ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन पाँव के पंजे में फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। पाँव के पंजे भी अच्छी तरह करिए, आपका सही होना चाहिए। नाभि के अंदर भी हम लोग नहीं ध्यान दे पाते, हम सारा शरीर साफ करते हैं, असली चीज़ तो आमतौर पर लोग नाभि भूल जाते हैं। नाभि में भी अच्छी तरह उंगली लगा के अंदर दे के अच्छी तरह साफ कर लीजिए, रोजाना का आपका ये नियम होना चाहिए। उसके अलावा आपके रजाई, गद्दे, बिस्तर आदि पे किसी प्रकार की भी बदबू, महक ऐसी नहीं होनी चाहिए अजीब सी, जो कि क्या कहते हैं, दिमाग को एक अजीब भन्नाट सी पैदा करे, ठीक है ना। ये स्त्रियों का भी काम है, कमरे को अच्छी तरह से रखना, सारी चीज़ रखना, अपने बेडरूम के अंदर, वैसे तो घर में जूते चप्पल आने नहीं चाहिए बाहर के, लेकिन बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते, उनको तो कुछ समझ आती नहीं, खासकर पुरुषों के साथ ही ज़्यादा होता है कि उनकी चप्पल, जूते, मोजे, उनमें से बदबू आती रहती है, स्त्री बार बार कहती है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, उनके अंडर गारमेंट्स में से अजीब सी एक बदबू आती है उसमें सुनने को तैयार नहीं होते हैं। मैं आपको क्या कहने जा रहा हूँ, बहुत गहराई से बारीकी से लेके चलिए, दाम्पत्य जीवन में बिखराव का एक कारण ये भी है। एक मेरे पास किस्सा ऐसा आया था, और ऐसे मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन कुछ किस्से आए हैं जिसमें एक मतलब मुंह से बदबू आती, कि एक के तो दांत में प्रॉब्लम थी, चलिए कोई बात नहीं, उसने खुद ने बताया पायरिया इलाज नहीं कराते सही ढंग से, लेकिन एक का तो क्या था, पायरिया नहीं था, दांत भी ठीक थे, मुंह भी ठीक था, लेकिन उसके सांस से बदबू आती थी। अब बड़ी समस्या वाली बात थी उसको, बस फिर मेरे पास इसमें तो और क्या काउंसलिंग कर, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से इलाज लो, मुंह का कुल्ला करने का भी कुछ वो देंगे आपको, जिससे कि आपका थोड़ी बदबू कम हो, बाकी अंदर से जो आ रही है उसके डॉक्टर से इलाज करो। इसी प्रकार से आप कहते हैं मेरे अंदर कोई ऐब नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है,
लेकिन साथ साथ में इस चीज़ पे गौर करके चलिए, रात के समय अगर आप इलायची, इलायची तो आयुर्वेद आइटम है, ये कोई शौकीन वाला आइटम नहीं आयुर्वेद है, लेकिन इसमें खुशबू होती है और वैसे भी इसका रस जो होता है, आप दो इलायची रख लीजिए और उसको क्या कहते हैं धीरे धीरे जब आप चबा के साइड में रखेंगे थोड़ा सा चबा के, तो धीरे धीरे रस बनता है, वो लार के साथ जाता है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल के वायरल वगैरह में तो वैसे भी इलायची का प्रयोग बहुत अच्छा है। तो मेरी भावना ये है कि आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। स्त्रियों को भी कई बार काम करके आती हैं, थक जाती हैं, वही कपड़े या कई बार थोड़ा बहुत खोल के दूसरे पहन लेंगे, उनको ये नहीं मालूम पड़ता वो जो नाइट सूट है जो पहन रही हैं उसमें भी अलग से महक एक पैदा हो रही है। मतलब भावना ये है कि अगर आपके जीवन साथी को, पति है, अगर उसको कोई आपकी कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, पसंद का यहाँ पर केवल ये कि कोई बदबू आ रही है, महक आ रही है, कई अजीब सी लग रही है, या आपकी पत्नी को नहीं आ रही, तो आप दोनों को इसमें कोई प्रेस्टिव इशू नहीं बनाना चाहिए और इसको सहर्ष स्वीकार करते हमें और अच्छे से अच्छा प्रयत्न करना चाहिए आप, ताकि आपसे निखार रहे, बढ़िया रहे, अच्छा रहे। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देंगे, नाखून बढ़े हुए हैं नहीं है ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है, मैंने क्या कहा ना, लेकिन उसमें मैल नहीं होना चाहिए, आप इस चीज़ पर गौर करिए। कई लोग तेल भी ऐसा लगाते हैं, आप ऐसा तेल मत लगाइए, कई बार ना आप सुगंधित तेल लगाते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन वो सुगंधी किसी को या तो अस्थमा कारण से प्रॉब्लम है, या किसी को वैसे भी सांस चढ़ते हैं, या कईयों को वो सुगंधी नहीं पसंद आती है, तो उस पर जिद मत पकड़िए। कई स्त्रियाँ ऐसा तेल लगाती है कि पुरुष को नहीं समझ में आता, या पुरुष भी ऐसा लगाते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है जी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुचारू रूप से करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपके कहीं भी होठों पे बार बार पपड़ी जमती है तो आप उसमें थोड़ा सा कुछ लगाइए, हल्का सा नारियल का तेल ऐसा रहता है जो जिसमें खुशबू नहीं होती, बढ़िया रहता है, सारी चीज़ ठीक है। तो मेरी भावना ये है कि अब आपको देखना है, तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, बढ़िया रहेगा। मेरी मंगल कामना, नमस्कार।